सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये एक सेल की वीडियो बन रही है। आप लोग ने जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखी। हमारे साथ में सुवेद भाई है, आरबी पेट्स फार्म है माशाल्लाह। सुवेद भाई, कैसा लगा वैसे फार्म आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो स्केल है फार्म का वो भी बहुत अच्छा है, और जो भाई ने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं फार्म को तो वो भी एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि अंडुल बकरों का सेक्शन पूरा एक साइड, एग्जॉटिक का एक साइड, और खस्सी बकरों का और फीमेल का वो एक साइड, और जो उन्होंने 9 बाड़े जो बनाए हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी कि मतलब सिस्टमेटिकली पूरा फार्म चल रहा है। वैसे देवनार की अपडेट्स डेली देते हैं, तो अगर देखना है तो इनके वीडियो, इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह। आरबी पेट्स फार्म इनका चैनल का नाम है, और भी इंशाल्लाह बकराईद बच रहेंगे ना। जरूर इंशाल्लाह सारे चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आपका इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है जिससे कांटेक्ट करें? rb_petfarm। ठीक है, तो इनको कांटेक्ट कीजिए अगर आपके बकरों की शूट वगैरह करना है। अभी फिलहाल हम लोग दोनों कोलैबोरेशन में वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है शाहिद भाई ने 7 बकरे अंडू में निकाले सेल के लिए। तो सबसे पहला बकरा माशाल्लाह पथीरा देख सकते हैं, और क्वालिटी देखो बकरा एग्रेशन में है, क्वालिटी एग्रेशन में है, झालर पट्टी और ब्रीडर जैसा दिख रहा है, ब्रीडर ही है एक तरीके का। तो ये जो पतिरा है अपन ने बेचने के लिए निकाले, ये अपने फार्म का ही बकरा है पहले से? हाँ, ये सब जो मेरे जो 7 बकरे वो सब फार्म के, और इसके अलावा और भी बकरे हैं सेलिंग के लिए, तो जो मेरे पर्सनल है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। ये 7 ही बकरे माशाल्लाह एग्रेशन देखो, और ये फुली वैक्सीनेटेड बकरा है, फुली वैक्सीनेटेड है, सब कुछ है पूरा, मतलब ऐसा है कि ये मेरे पास 5-6 महीने के ऊपर हो गया, 5-6 महीने के ऊपर हो गया माशाल्लाह। इसका एग्रेशन देखो कितना एग्रेसिव है बकरा, प्लेफुल है कि मारता है? नहीं प्लेफुल है, मारता नहीं ना, ठीक है माशाल्लाह। वैसे क्या डिटेल्स पे है ये बकरा? ये अपना वेट अप्रॉक्स 80 kg के आसपास है, 80 किलो पे आठ दांत अभी जस्ट किया है। और हाइट कितनी होगी? 35 हाइट जैसा नॉर्मल पतिरा की रहती है, 35-36 रहेगी माशाल्लाह। लेंथ भी अच्छी है बकरी की, लेंथ बहुत अच्छी है, जैसा कि नन में अगर आप देखोगे ना, एक प्रॉपर ब्रीडर आप बोल सकते हो। हाँ, उसकी जो बनावट है प्लस उसका जो स्ट्रक्चर है, ये ना जो सामने आता है ना पतीरा में, ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। नन में अगर आप देखोगे बकरे का जी, कंप्लीट पैकेज बोलते हैं ना, जैसा कि आपने भी बहुत पतीरे देखे। हाँ राइट, पर ये एक शॉर्ट पीस के अंदर है कंप्लीट, ये राइट। तो माशाल्लाह एग्रेशन भी आप देख सकते हो एकदम फ्रेश, 8 दांत है इसने, फ्रेश 8 दांत, 75 प्लस ही हम लोगों ने तोले है इसको, पर हम लोग 75 प्लस बोल रहे हैं, 75 प्लस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ प्राइस वगैरह कोट करना चाहेंगे? हाँ, इसका जो मेरा आस्किंग प्राइस है वो रहेगा 48,000। काफ़ी रीजनेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि देवनार की मार्केट में ऐसे पतीरा खड़े हैं और उनका प्राइसिंग कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन माशाल्लाह अगर आपको फार्म से वैक्सीनेटेड बकरा, सुबह भाई आप काफ़ी देवनार घूमे, प्राइसिंग कैसा लगा? एक्चुअली अभी मैं पर्सनली बोलता हूँ, अगर ये देवनार में होता बकरा जी तो इसकी प्राइसिंग 1,90,000 के आसपास, 1,90,000 अगर नहीं भी होती तो 75 तो आस्किंग होती इजीली, 75 तो वो लोग बोलते ही थे। बट एग्रेशन का जो पैसा रहता है ना, मतलब एग्रेशन का पैसा तो वो लोग जोड़ते हैं, तो ये चीज बोलते हैं वो लोग, आस्किंग उन लोग का वो रहता है। तो काली भैया कैसा एक ये मतलब बोलना चाहूँगा कि जो कस्टमर्स है, पहले ही मैं कैसा एकदम ऐसे प्राइस में दे रहा हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस है, तो वो सुनने के बाद और लास्ट कर करके जो 48 से कोई प्राइस बोलता है 35, कोई बोलेगा 40, कोई बोलेगा 26, तो ये जो है वो कस्टमर्स को भी समझ में आना चाहिए कि पहले तो है कि प्राइस जो है वो कमी, जो आस्किंग प्राइस है वो कमी है, उसके बाद उसमें भी स्लाइटली नेगोशिएबल होगा, स्लाइटली नेगोशिएट हो जाएगा वो, क्योंकि हमने जो कोट किए हैं प्राइस, अगर आप देखोगे नंदन भाई, जैसे कि अभी भाई ने भी बताया मार्केट में क्या वैल्यू इसकी चल रही है, राइट, हमने जो कोट किया है अभी वो इतना रिजनेबल है कि ना सामने वाले को भी है ना ऐसा नहीं हो जाएगा कि सोचना पड़ेगा कि कुछ एकदम हाई लोग आस्किंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल जैसा हम बोल सकते हैं राइट वो हिसाब से है, स्लाइटली नेगोशिएबल। ये मैं कम्प्लीटली अग्री करूंगा मुबीन भाई के साथ में, बिकॉज ये बकरा गंदा है अभी फिलहाल, बारिश की वजह से फार्म वाले नहीं मिलाते बकरा, बट अगर ये बकरा एक बार नहा लेगा ना, फिर उसके बाद में बकरे का रुआब दिखेगा इंशाल्लाह। और कैसे अगर किसी कस्टमर को चाहिए कि मेरे को मिला के दे दो, वो भी हम लोग मिला के दे सकते हैं, ड्रायर भी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हम लोग क्या है अभी फिलहाल नहीं मिला रहे क्योंकि बारिश का आज शुरुआत ही बारिश, उस वजह से सिर्फ नहीं मिला रहे, उसके बाद में दूसरा बकरा देखते हैं जोड़ी वाली का। तो ये सेकंड बकरा देख रहे हैं हम लोग मालवा में माशाल्लाह, और गंदा गंदा हो गया बकरा, पूरा गंदा हो गया गंदा हो गया
अभी क्या है, सब बकरे यहाँ पे हीट पे आ गए जी, तो एग्रेसिव उतने हो चुके हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा धंधा कर ले रहे हैं। लेकिन मालवा में माशाल्लाह इसका फेस देखो यार, मालवा में है वो पिंक स्किन में है वो गुलाबी बकरा है, इसका फेस काफी अच्छा है माशाल्लाह बकरे का। पंच में जो एग्रेशन अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा ही एग्रेशन है। वैसे मालवा उस चीज के लिए फेमस रहते हैं, जो मालवा के शौकीन है वो लोग ये बात से एग्री करेंगे। इसका फेस काफी बड़ा है यार, मस्त लग रहा है मेरे को फेस, फेस अच्छा है और पिंक स्किन में पहली चीज। अभी तो येलो दिख रहा होगा क्योंकि आपने आपको गंदा कर लिया, गंदा कर लिया। इसका लुक भी काफी अच्छा है, ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर में और पैचेस ब्लैक देख लो आप, जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। प्लस एग्रेशन के साथ जो मालवा जिसके लिए फेमस रहते हैं उसी टाइप का बकरा है, उसी टाइप का बकरा है। वैसे इसका कितना कोट कर रहे हैं? इसका मैं बोल रहा हूँ 38,000। 38,000 का डिटेल्स पे है ये अभी 6 दांत किया है इसमें, 6 दांत पे है और 60 से 65 kg के बीच में इसका एवरेज है, 60 से 65 kg के बीच में और सब नेगोशिएबल है, इसमें स्लाइटली है, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है क्या अपने पास? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अभी ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट मैं करा के दे सकता हूँ, कस्टमर को चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक। और अगर मेरे बकरे मतलब सपोज कोई रहता है 4-5 बकरे अगर लेता है और टाउन में किसको चाहिए या आसपास, तो मैं ट्रांसपोर्ट फ्री में करा के दे सकता हूँ। अगर 4-5 अगर गोट परचेज करते हैं तो 4-5। शाहिद भाई ये पलटी के लायक बकरे हैं क्या? ये आप इजीली इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रिपीट कर सकते हैं भाई, अभी जस्ट 6 दांत कंप्लीट, 6 दांत कंप्लीट किया क्योंकि फिगर माशाल्लाह बकरे का बहुत अच्छा, फिगर अच्छा है और इसको पलाई पे डाल सकते हैं। ये बकरा मतलब कैसा है कि मेरे हिसाब से 85 से 90 आराम से पहुंच जाएगा, हाँ क्योंकि चाल चलन बकरे की वैसी है। अभी 65 kg के अप्रोक्स है और पूरा बकरा खाली बकरा, खाली बकरा है, ये पलटी पे डाल सकते, पल्टी पर डाल सकते हैं माशाल्लाह। इसका 38,000 आस्किंग है, 65 to 70 बोल रहे हो? 60 to 65 इसमें नेगोशिएट नेगोशिएट हो जाएगा इसमें। इसके बाद दो मैं जोड़ी में बताता हूँ, दो सोजत बकरे वो जोड़ी में, एक पतीरा में तो वो वाइट आइज में सोजत पतीरा और एक प्योर सोजत है वो पिंक स्किन में, तो वो दोनों सोजत की मैं जोड़ी अभी आपको बता देता हूँ। वो बहुत अच्छी अच्छी जोड़ी है जी, तो उनका कैसा है, उनका डिमांड आ रहा है लेकिन अभी कैसा है जो प्राइस का एक्सपेक्टेशन है, जैसा देवनार का और मेरा मैं कंपेयर करूँ तो देवनार का तो अभी बहुत ज़्यादा ही है जी, लेकिन फिर भी ठीक है। कस्टमर्स उस हिसाब के आते नहीं है कि उनको बकरा समझ में नहीं आता है, कोई भी प्राइस लगा देता है, उसकी वजह से मैं दे नहीं रहा था बकरे, तो अभी मैं आपके इसमें बता देता हूँ। माशाल्लाह ये दोनों बच्चे आ रहे हैं, ये बहुत कसा हुआ बच्चा है, वाह। ये वाला एक प्योर सोजत में पिंक स्किन है और ये इसका एक पैच है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हाँ, वाले बकरे का ब्यूटी पे, हाँ तो आई कैच जैसा एक लेटर है ना वो चाहिए। और ये वाला जो बकरा है ये व्हाइट आइज में, व्हाइट आइज में सोजत पतीरा में कैसा बोल सकते हैं, ये व्हाइट आइज में, व्हाइट आइज में माशाल्लाह। इसकी हाइट काफी अच्छी है, हाँ, दोनों की 38 हाइट है और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ भी अच्छी है, लेंथ में भी ना थोड़ा स्ट्रेच एकदम अच्छा है, ये तो पूरा कोल्ड जैसा दिखेगा वो भी वैसा ही है, वैसा ही है भाई। एक जोड़ी जो बोल सकते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, अगर कोई जोड़ी में लेता है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे ये कुर्बानी के लायक। ये कैसा अभी नीला दुला के अगर और करें तो इससे और ज्यादा व्हाइट और पिंकिश दिखेंगे, एक्चुअली वो नीला है और नहीं अगर देखोगे ना फिर भी ज्यादा ही लग रहा है। ये इनको नीला के 10 डेज हो चुके लेकिन फिर भी क्या है वो अपने आप को गंदा कर ही ले रहे हैं, वंडू बकरे को आप एक दिन नीला दूसरे दिन गंदा हो ही जाएगा, गंदा हो ही जाता है कुछ भी करो। और कैसा वीडियो के हिसाब से अभी नीला सकते थे लेकिन हम लोग ने नीला नहीं चुके, रिस्क रहता ही है, राइट, तो जब मौसम सही रहेगा तो हम लोग मिला के रख देंगे इंशाल्लाह। वैसे कस्टमर्स का आने का टाइमिंग क्या क्या शायद भाई? कस्टमर्स मॉर्निंग 10 to 7 तक आ सकते हैं, अभी बकरी ईद में है तो हम लोग और ज़्यादा मतलब फंक्शन करते हैं 7 के बाद, कस्टमर्स आते रहते हैं तो बकरी ईद तक तो मतलब 8 to 9 तक आ सकते हैं, 10 o'clock तक भी अगर इधर 10-11 तक भी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है ही यहाँ पे, जैसा कि बकरा ईद का टाइम है कॉल पे भी करके आ सकते हैं, पर्सनल भी आ सकते हैं माशाल्लाह बकरा। इन दोनों का जोड़ी में कोट करना चाहोगे डिटेल्स के साथ में बताओ, डिटेल्स क्या है दोनों की? डिटेल्स डिटेल्स का कैसा, ये जो दोनों मैंने बोला 75 to 80 के रेंज, ठीक है, एक व्हाइट आइज में एक पिंक में, दो एक ये 6 दांत कर 6 दांत है और एक 8 दांत, 8 दांत पे, और इनका जो आस्किंग प्राइस है वो मेरा 80,000 रुपीज़ जोड़ी है, जोड़ी का 80,000, जोड़ी का 80,000 माशाल्लाह। आप लोग प्राइसिंग देख लो, 70 किलो के बकरे का प्राइसिंग मांग रहे भाई, काफ़ी रीजनेबल रेट लगा मेरे को ये जी।
आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या जो देवनार से अच्छा है शाहिद भाई को आप कॉल करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आपका बजट है तो नेगोशिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत वैक्सीनेटेड बकरे आपको मिल रहे हैं, फार्म के बकरे हैं, प्रॉपर फार्म वैक्सीनेटेड फार्म के बकरे। और इसमें क्या है, ईद तक भी तो अभी ज्यादा टाइम है, मैं पलाई का चार्जेस नहीं लूंगा ईद तक का। अच्छा, ईद तक का। और ट्रांसपोर्टेशन का जैसे अभी भाई ने पूछे, तो अगर जैसे सब बकरे अगर कोई लेता है तो उसको मैं ट्रांसपोर्ट करा के दे दूंगा मुंबई में। मुंबई में सब बकरे हैं लेकिन, सब बकरे मतलब पांच बकरे आ गए तो कैसा मेरे को भी अफोर्ड, मतलब मैं कर सकता हूँ सामने वाले को भी सही रीजनेबल रेट। आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ बॉम्बे तो कस्टमर को जो चार्ज है वो पे करना, वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो माशाल्लाह ये दो बच्चे हैं, 80,000 इज द आस्किंग प्राइस, 75 केजी प्लस है, 70 पकड़ के चलते हैं, 75 आप पकड़ के चलो 75। ठीक है, 75 केजी प्लस है बकरे माशाल्लाह। ये वाइट आइज में है और ये पिंक, पूरा पिंक है माशाल्लाह, गोल बच्चा है ये माशाल्लाह। अगर किसी को सिंगल लेना हो तो क्या प्राइसिंग होगी? सिंगल अगर लेना है तो मैं 45 के आसपास मैं एक बकरे का प्राइस कोट करूंगा, जोड़ी में 80,000। दोनों का रेट सेम ही रहेगा? दोनों का रेट सेम रहेगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्लाइटली नेगोशिएट उसमें कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में और कौन से बकरे शायद? और इसके बाद में अपने पास बोर है, बरबरा है, वो मैं बता देता हूँ। बोर और बरबरा टूटे पे थे तो मैं उनको लेके आता हूँ। बोर तो शाहिद भाई, एक और एक बकरा है ये वाला, ये कस्टमर का बकरा है ये? हाँ, कस्टमर का बकरा है और ये मेरे पास से खरीदा हुआ बकरा है। अच्छा, मेरे पास से, हाँ कस्टमर, तो अभी वो बेचने के लिए उन्होंने बोला है और सेल है ये बकरा। ओके, तो ये अपना शेरोई में है, शेरोई में एग्रेसिव बकरा है, बहुत एग्रेसिव है, 8 दांत अभी कर रहा है। और इसका जो वेट है ये 75 से 80, ये भी आप पकड़ लो 75 केजी के अप्रोक्स इसका वेट है, 70-75। अभी एग्रेशन में आ गया तो थोड़ा कम हो सकता है, ये लास्ट टाइम जब हम लोग ने किए थे तब 77 केजी था। ठीक है, ये वाला बकरा। और इसका जो प्राइस है आस्किंग प्राइस वो है 40,000 आस्किंग प्राइस है, स्लाइसली नेगोशिएबल, इसमें भी स्लाइसली नेगोशिएबल हो जाएगा। ठीक है, 75 केजी का बकरा है, सिरोही में है, काफ़ी एग्रेसिव बकरा है, हाँ। फार्म का पला हुआ है, हाँ। 40,000 इज़ दी आस्किंग प्राइस, हाँ। इसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हाँ। ठीक है, उसके बाद में और दो बकरे वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे शाहिद भाई कितने बकरे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अभी 3 बकरे, एक छोटा है और एक बोर है और एक बरबरा है। तो पहले बोर ही देख लेते हैं, यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह, सिक्के देखो यार, बड़े हथियार में बोर है। ये जो बोर है ये अपना देख लो अभी क्या कंडीशन में, पिंक स्किन में है ये बोर, 70 के जी के अप्रोक्स इसका वेट है, 70 किलो का बकरा है, हाँ। माशाल्लाह, तो इसका क्या डिमांड है अपना? वैसे हथियार देख लो, हथियार बढ़िया माशाल्लाह, मोटे हथियार का, वाह माशाल्लाह, बकरा अच्छा है। ये बोर का मैं लगा रहा हूँ 46,000। ठीक है, 75 के जी का बोर है, 46,000 इज द आस्किंग प्राइस, इसमें भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना? इसमें हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा, ये अभी 8 दांत कर चुका है, 8 दांत पे, हाँ, ठीक है। वैसे बोर है, वैसे फर्क पड़ता नहीं है, हाँ। वो तो बनते हैं बकरे बाद। कैपेसिटी है ना वो आराम से 80-90 केजी आराम से जा सकता है, लेकिन क्या हुआ अभी शिफ्टिंग हो गई है हम लोग की, अभी जस्ट शिफ्टिंग हुई है, तो ये बोर उसकी वजह से, मतलब जो थोड़े बहुत बकरों में फर्क है जी, तो उसका इफेक्ट है और कुछ भी नहीं, अगर सही तरीके से रखे ना ये बोर और वेट गेन कर सकता है। अभी तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शिफ्टिंग के लिए, इसकी वजह से थोड़ा ऐसा है। और जो कंडीशन में है हथियार उसके सब अच्छे, और मैंने बोला पिंक स्किन में है, ठीक और है। जिस हिसाब से अभी पूरा सेट है सब, तो मेरे पास जो बकरे वो 7-8 महीने हो चुके, ठीक है, तो कस्टमर को जो एक क्लैरिटी दो ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से इसका जो मैं आस्किंग प्राइस है इसको 46,000 कोट कर रहे हैं इसका। उसके बाद में ये एक और एक बरबरा है माशाल्लाह, ये जो बरबरा है गोल बच्चा है माशाल्लाह, ये गोल बच्चा है, अंडुल में है, अंडुल में 63-65 केजी के अप्रोक्स है। कितने दांत है? 8 दांत कर लिए, ठीक है। आप बोल सकते हो क्या वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्बरा आप कह सकते हो, क्योंकि 65 ये अपने फार्म का हैवी बर्बरा बोल सकते हैं, और उसकी अगर आप बनावट देखोगे इसकी, हाँ। गर्दन अदनान पे अच्छी गर्दन है, मोटी गर्दन है माशाल्लाह, भरी भरा हुआ बकरा है, कसा है एकदम, हेवी लुक के अंदर वैसा बकरा है, वैसा बकरा है माशाल्लाह। तो इसका कितना कोट कर रहे हैं वैसे अपन? इसका जो एक इसका मैं फाइनल प्राइस बता दूंगा, उसके नीचे मैं दे दूंगा, ये 35,000 इसका फाइनल प्राइस है, बर्बरे का फाइनल प्राइस है 35,000। वैसे पूरा बकरा कसा हुआ है देख सकते हैं, कितने दांत पे? 6, ये 8 दांत कर चुका है, 8 दांत कर चुका है, और अभी भी मतलब कैसा है खेलने लायक बकरा है, ये भी इसकी भी है कि अभी शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा ये हो गया, वो तो बकरे हर बकरे तो ऊपर नीचे चढ़ते उतरते ही, अभी कैसे अभी सेट
सेट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलता है मस्त कूटे में, अगर खोल के भी लड़ेंगे तो ऐसा मारता नहीं है, लेकिन खेलता अच्छे से खेलता है माशाल्लाह। एक साल और पालने के लिए उसकी एज है, मतलब ले सकते हैं क्या? हाँ, एक साल ये और अभी ये जो बरबरा है इसने अभी आठ-दस किया है और जिस हिसाब से हाँ और एक्टिव है बरबरा, तो इसको आप रख सकते हैं। बोर को मैं बोलूंगा कि बोर को और पलाई पे नहीं डाल सकते। मुझे लगता है कि ये जैसे एग्जॉटिक होते हैं ना सुवेद भाई, ये थोड़े बोर बरबर है ना जो है ना, थोड़ा चल जाते हैं, चार पाँच साल तक झेल लेते हैं। okay. उनका वैसे कैपेसिटी रहती है मेरे अंदाजन, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी बरबरे देखा हूँ माशाल्लाह जो बॉम्बे साइड में पलते हैं और वो चार चार पाँच पाँच साल से एक ही खूटे पर पलते हैं। वो कैसा रहता है, खूटे का भी असर रहता है कि एक खूटे पर जानवर अगर रहता है काफ़ी टाइम तक तो वो फॉर्म में रहता है। okay. अगर बार बार जगह चेंज होती रहेगी बकरे की तो वो भी टूटेगा बनेगा। लेकिन अगर ये बेस्ट एडवाइस है ना, मतलब मेरे तरफ से तो एक बेस्ट एडवाइस है कि केज से अच्छा एग्जॉटिक जो रहते हैं जिनके बड़े सिंग रहते हैं बड़े हथियार रहते हैं उनको केज से अच्छा ये है, क्योंकि ये लोग बट इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान इनका है फार्म वालों का। ये कस्टमर्स के लिए अच्छा है लेकिन फार्म वालों के लिए ये एक मैं बताता हूँ कि खूटे पर जब बकरा बनता है तो वो फीड का काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान फीड के अंदर तो अन्नन में बहुत सही बहुत ज़्यादा होता है कि आपको भी अगर आप देखोगे कूटे पे पर्सनल अटेंशन देके वहाँ पे उनके पास हाँ, रहना पड़ता है वहाँ पे रहना पड़ता है। कैसा वेस्टेज करते हैं कैसा हम लोग को मैनेज, क्योंकि फीड काफ़ी महंगी हो गई है सुवेद भाई, ये आप भी जानते रहेंगे। फीड का रेट बहुत ऊपर चले गए, उसके लिए ऐसा है कि इनको जो फीडर रहते हैं वो डायरेक्ट हम लोग जमीन पे नहीं रखेंगे, तो थोड़ा हम लोग टायर पे जो रहते हैं टायर पे हम लोग रख के चालू करेंगे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि कुछ मेरे को कूटे पे सेटिंग करनी पड़ेगी कि उससे फीड गिरे नहीं वेस्ट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में शाहिद भाई, इसके बाद में ये जो ये लास्ट बकरा है ये अपना कोटा बकरा है माशाल्लाह, चार दांत कर रहा है, जेड ब्लैक है माशाल्लाह, तीसरा दांत मतलब पूरा जो स्पॉटलेस वाइट रहते वैसे ये स्पॉटलेस ब्लैक है। ब्लैक के शौकीन जो रहेंगे ना माशाल्लाह, फेस देखो यार, फेस बड़ा फेस है इसका और लेंथ में भी अच्छा है, ये पल्टी लायक बकरा है, पल्टी लायक बच्चा है। इसके इसी में तो कितने दांत पे इसका, अभी तीसरा दांत हो गया इसका, चौथा दांत कर रहा है। अच्छा, बहुत बेटर ऑप्शन है ये कोटा लवर्स के लिए, पलाई के लिए फिर से रखने के लिए पल्टी के लिए। इसका वेट है अप्रॉक्स 50 kg, 50 किलो का बकरा है। इसका कितना डिमांड है वैसे इसका अपना? इसका जो है इसका 26,000 है आस्किंग प्राइस, इसमें भी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है और रेट भी काफी रीजनेबल है माशाल्लाह। आप 26,000 आस्क कर रहे हैं, इसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा, आप इससे ज़्यादा और क्या दे सकते हैं, है ना? सही है, वैक्सीनेटेड, एवरीथिंग इज सेट। ये भी कैसा है, पूरा वैक्सीनेटेड है और अगर आप इसके स्किन पे भी हाथ लगाएंगे ना हाँ। सब बकरे ऐसे शाइन है, बकरे में शाइन है और सॉफ्ट है कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सही है, यंग है बकरा। हाँ, तो ये बकरा एक्टिव भी है, अभी देख के आपको शाइन इसका पता चल जाएगा। तो बकरा अच्छा है, पल्टी के लिए भी चल सकता है और अगर कुर्बानी करना है तो वो भी चलता है। वो भी कोई अगर शौक रखता है कुर्बानी का, दो दांत चार दांत के बच्चे तो वो भी अच्छा ऑप्शन अच्छा है, अच्छा है और एक रीजनेबल प्राइस में मेरे हिसाब से ये मिल रहा है इंशाल्लाह। और तो शाहिद भाई अपना नंबर बोल दो। मेरा है 7021856457। टोटल 7 बकरे अपने फार्म पे सेल के लिए, 7 और ये एक 8 बकरे हैं। ठीक है, 8 बकरे टोटल सेल के लिए अवेलेबल है और कुछ आने वाले बकरे नहीं ना? और अभी तो फिलहाल और बकरे हैं जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको और पर्सनल पे दिखा देंगे अगर कोई आता है। अंडू है खस्सी वो बता दो, अंडूल है, बड़े अंडू है। हाँ, सब बड़े अंडूल है। तो एक जमुनापारी है, कोटा है और है अपने पास, तो हंसा जमुनापारी क्रॉस में बकरे, तो वो सब मैं आपको फ्यूचर में बताते रहूँगा इंशाल्लाह। तो शाहिद भाई अपना नंबर यहीं तक, जो आपका नंबर आपने बोल दिए, वीडियो को यहीं तक रखेंगे, काफ़ी टाइम और आपको भी है ना, फिर इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो डालना और सेल भी करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन देने के लिए हमको, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी साथ में ऐसे काम करते रहेंगे। हाँ सुवेद भाई, इंशाल्लाह ये एक्चुअली बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई है। अभी तो मतलब 1 बज रहा है फिर भी मतलब एक गेट टुगेदर बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया माशाल्लाह। ये ऐसी चीज़ें होती रहेगी तो सब मिलते रहेंगे और बोलते ना साथ में ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो शाहिद भाई ऑल द बेस्ट कि आपने ये जो उसके लिए ओपन किया है, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आप फैसल भाई के सामने हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिली है ताकि अच्छे से ग्रो कर सको और इंशाल्लाह फार्म, हम लोग दुआ करेंगे फार्म वो इस लेवल पे ग्रो हो और लोग आए पलाई पे दे बकरे
जो लोग रेंट के लिए भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन आके बैठ करके बात करें, आके बैठ समझे, बात करें, समझे, देखें और फिर उसका डिसीजन लीजिए। हाँ, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुवेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका नहीं नहीं भाई, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से एक बार, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आप बहुत ऑनेस्टली कर रहे हो और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऑनेस्टली जैसे कर रहे हो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।